हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शेयर मार्केट रिपोर्ट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं स्पेक्ट्रम फूड्स लिमिटेड के बारे में। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ये बताइए कि क्या आपके पास में इस कंपनी का स्टॉक है या फिर नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को हम लोग शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कंपनी के मार्केट कैप के बारे में। तो इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो सिर्फ और सिर्फ 24 करोड़ रुपीज का है। कंपनी का जो करंट शेयर प्राइस है ये 69 रुपीज़ 40 पैसे है। इसके अलावा कंपनी का जो 52 वीक का हाई था वो 89 रुपीज़ 80 पैसा था। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं कंपनी के अंदर शेयर होल्डिंग के बारे में। तो इस कंपनी के अंदर रिटेल एंड अदर की शेयर होल्डिंग 57.98% की है और कंपनी के अंदर प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग 42.02% की है। अब दोस्तों, हम कंपनी के फंडामेंट्स की बात कर लेते हैं। कंपनी का जो पीई रेशो है ये 10.40 का है और इस सेक्टर का जो पीई रेशो है वो 73.36 का है। कंपनी का पीवी रेशो 4.21 का है। कंपनी का आरओसीई 21.15% का है। ये कंपनी अपने निवेशकों को डिविडेंड नहीं देती है और कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी -148.72 का है। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट और लॉस के बारे में। तो सबसे पहले एक बार हम कंपनी की ईयर वाइज रिपोर्ट देख लेते हैं। तो 2023 के अंदर कंपनी ने 0.38 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया था, जबकि 2022 में कंपनी ने -0.25 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया था। यानी कि 2022 के अंदर कंपनी को लगभग 25 लाख रुपए का लॉस हुआ था। अब दोस्तों, हम कंपनी की क्वार्टर वाइज रिपोर्ट देख लेते हैं। तो दिसंबर 2023 के क्वार्टर में कंपनी ने 1.51 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया है, जबकि दिसंबर 2022 में कंपनी ने 1.03 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया था। यानी कि कंपनी ने दिसंबर 2022 के क्वार्टर की तुलना ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट किया है। अब दोस्तों, हम कंपनी की शेयर मार्केट में परफॉर्मेंस देख लेते हैं। तो 2010 से लेकर अभी तक इस कंपनी ने अपने निवेशकों को 32% का रिटर्न दिया है। पिछले 5 साल में कंपनी ने 42% का रिटर्न दिया है। पिछले 1 साल में कंपनी ने 22% का रिटर्न दिया है। पिछले 6 महीने में कंपनी ने 28% का रिटर्न दिया है। पिछले 1 महीने में कंपनी ने 41% का रिटर्न दिया है और पिछले 5 दिनों में कंपनी ने अपने निवेशकों को 18% का रिटर्न दिया है। आपने स्पेक्ट्रम फूड्स लिमिटेड से संबंधित आंकड़े अभी देखे हैं। आपने यहां पर यह देखा कि इस कंपनी के अंदर हमें 2 तरह की शेयर होल्डिंग देखने को मिल रही है। इसके अलावा कंपनी का जो पी रेशो है ये काफी अच्छा लग रहा है। कंपनी अपने निवेशकों को कोई भी डिविडेंड नहीं देती है और कंपनी का जो डेप टू इक्विटी है ये -148.72 का है। जब दोस्तों हम कंपनी के प्रॉफिट और लॉस की रिपोर्ट देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि पिछले 3 क्वार्टर से कंपनी जो है काफी अच्छा प्रॉफिट कमा रही है। इसके अलावा दोस्तों, लॉन्ग टाइम के अंदर तो इस कंपनी ने अपने निवेशकों को अच्छा रिटर्न नहीं दिया है, लेकिन पिछले 1 महीने के अंदर कंपनी ने अपने निवेशकों को 42% का रिटर्न दिया है। बाकी आप लोग किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें और खुद भी एक बार डिटेल में रिसर्च और स्टडी जरूर कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए और अगर अभी तक आपने आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम शेयर मार्केट रिपोर्ट है अगर इसे YouTube पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी इसे YouTube पे सब्सक्राइब करें और साथ ही बगल में जो बेल का आइकन है इसको जरूर प्रेस करें। मैं आपसे बहुत जल्दी मिलूंगा एक और नए वीडियो में। जब तक के लिए टाटा बाय बाय।